हे गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। गाइज, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे 10 ऐसे कॉमन एक्सीडेंट्स जो कि कंस्ट्रक्शन साइट पे अक्सर होते रहते हैं। तो आइए देखते हैं। सबसे पहला है फॉल फ्रॉम हाइट और स्काफोल्डिंग, यानी हाइट से गिरना या स्काफोल्ड से गिरना। ये एक काफ़ी कॉमन एक्सीडेंट है जो कि हर एक कंस्ट्रक्शन साइट पर होते रहते हैं। तो जितने भी एक्सीडेंट्स होते हैं उनमें 34% एक्सीडेंट स्काफोल्ड से गिरने से या हाइट से गिरने से ही होते हैं। जब हम ग्राउंड लेवल पे काम कर रहे होते हैं, कोई जॉब चल रहा होता है, तो वहाँ पे एक्सीडेंट के चांसेस काफ़ी कम होते हैं। लेकिन जैसे जैसे हाइट बढ़ता है वैसे रिस्क बढ़ता जाता है। अगर हम 2 मीटर से अबव जाते हैं तो काफ़ी रिस्क बढ़ता जाता है। तो वहाँ पे काफ़ी सारे एक्सीडेंट के चांसेस होते हैं अगर हम कोई मिस्टेक करते हैं तो स्काफोल्ड से एक्सीडेंट होने का या गिरने का मेन रीज़न यही हो सकता है कि वहाँ पे वर्कर्स ने सेफ्टी बेल्ट ना पहना हो, या वहाँ पे टॉप रेल, मिडल, ये सब गार्डरेल्स नहीं दिए गए हों, या वहाँ का वर्किंग प्लेटफॉर्म स्लिपरी हो या वीक हो। तो ये सब रीज़न हो सकते हैं स्काफोल्ड से गिरने के और एक्सीडेंट होने के। तो जब भी आप साइट पे काम करें तो स्काफोल्ड को अच्छे से इंस्पेक्शन करें उसका। ज़्यादातर ये ध्यान दें कि उसके जो प्लेटफॉर्म है वो सही हो, स्लिपरी ना हो, वीक ना हो यानी कमज़ोर ना हो, जो गार्डरेल्स है वो सब दिए हों, टॉप रेल दिया है, मिड रेल दिया हो, और वर्कर सेफ्टी बेल्ट पहना हो। और कोई भी अगर ट्रेंड वर्कर है उसी को हाइट पर काम करने दें, हाइट पर काम करने से पहले उसको आप ट्रेनिंग दें। सेकेंड है स्लिप्स और फॉल, यानी फिसल जाना या गिर जाना। यहाँ पे गिरने का बात हो रहा है यानी ग्राउंड लेवल पे ही। तो क्या होता है, जो भी आपका वर्क साइट होता है अगर अनइवन है, यानी लेवल में नहीं है आपका ग्राउंड, कहीं पे होल्स हैं या वहाँ पे केबल्स वगैरह फैले हुए हैं, कोई स्लिपरी सरफेस है, तो इस तरह के एक्सीडेंट्स हो सकते हैं। कोई भी फिसल सकता है, गिर सकता है। तो जहाँ भी आप काम कर रहे हैं वर्क साइट पे अपना, तो सबसे पहले हाउसकीपिंग का ध्यान दें। जो भी आपका रख रखाव है, केबल्स जहाँ से गए हुए हैं ऐसे तैसे ना गए हों, उनका एक स्पेसिफिक रूट हो, और जो आपका ग्राउंड हो वहाँ पे कोई होल ना हो, अनइवन ना हो, वहाँ पे कोई डेब्रिज वगैरह ना हो, ये सब आपको देखना है। थर्ड है इलेक्ट्रिक्यूशन। जब भी किसी ओवरहेड पावर लाइन सप्लाई से किसी को इलेक्ट्रिक शॉक लगता है उसे हम इलेक्ट्रिक्यूशन बोलते हैं। तो जैसे मान लो ग्राउंड पे भी अगर काम चल रहा है, अगर कोई हाइड्रा है, कोई क्रेन है, एक्सकवेटर है, अगर उसका बूम किसी ओवरहेड पावर लाइन में टच होता है तो वहाँ पे इलेक्ट्रिक शॉक लगता है और एक्सीडेंट हो सकता है। तो ऐसे में जहाँ भी काम करें सबसे पहले देख ली कि हमारे ओवरहेड में कहीं लाइन तो सप्लाई तो नहीं गया हुआ है। अगर गया है तो उसको आपको ध्यान में रखना है। और कभी कभी हाइट पे काम करते समय, जैसे कि स्काफोल्ड पे काम कर रहे हैं, तो वहाँ से अगर कोई केबल गया है, इलेक्ट्रिकल केबल, तो वहाँ से आपको डिस्टेंस मेंटेन करना है। तो अलग अलग वोल्टेज पे अलग अलग डिस्टेंस मेंटेन करना होता है, जिसके बारे में मैंने आपको पहले बताया हुआ है वीडियोज़ में। अगर आपने वो नहीं देखा है तो मैं नीचे लिंक दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में, उसे आप देख लीजिएगा। वहाँ पर मैंने काफ़ी डिटेल में समझाया हुआ है कितना डिस्टेंस आपको मेंटेन करना है। फोर्थ है फॉलिंग डेब्रिज मटेरियल और ऑब्जेक्ट्स। डेब्रिज का मतलब होता है जैसे कोई पुराना बिल्डिंग है उसके जो मलबे हैं, जो कंक्रीट हो गया, ईंट हो गया, टूटे फूटे, ये सब डेब्रिज होते हैं। तो जहाँ भी कोई बिल्डिंग को तोड़ते हैं, पुराने बिल्डिंग को, वहाँ पे ये रिस्क ज़्यादा होता है। जो ये डेब्रिज है हजार्ड वहाँ पे पाए जाते हैं। तो अगर कोई भी इंसान वहाँ पे आजू बाजू में जा रहा है, आ रहा है, तो फ्लाई होकर डेब्रिज क्या होता है, उससे चोट लग सकता है। तो जहाँ भी आप बिल्डिंग का डेमोलेशन कर रहे हैं, तोड़ फोड़ कर रहे हैं, उसको डिस्टेंस आपको मेंटेन करना है, उसको बैरिगेट करना है और लोगों को उनसे दूर रखना है। और जैसे कि मटेरियल हो गया, हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, कहीं हाइट पर काम चल रहा है तो हाइट से कोई ऑब्जेक्ट गिरता है तो किसी को चोट लग सकता है, या मान लो एक्सकवेशन हो रहा है तो वहाँ से किसी को गिर के चोट लग सकता है। फिफ्थ है गेटिंग कॉट इन बिटवीन ऑब्जेक्ट्स और मटेरियल्स। ये अक्सर तब होता है जब लिफ्टिंग का कोई काम चलता है या लोडिंग अनलोडिंग का काम चलता है। जब भी अगर लिफ्टिंग हो रहा है, अगर आपका स्लिंग टूटा हुआ है, मतलब डैमेज है, और आपने एरिया को बैरिगेट नहीं किया है, तो अगर कोई अनजान आदमी या कोई वर्कर उसके पास जाता है और अगर स्लिंग टूट जाता है तो जो लोड है, जो मटेरियल है, वो गिरेगा और किसी के ऊपर गिरेगा तो क्या होगा, उसमें दब जाएगा। तो इस तरह के एक्सीडेंट्स होते रहते हैं। तो यहाँ पे आपको ये सब ध्यान देना है। नेक्स्ट है फायर्स एंड एक्सप्लोजन्स। ये मेनली केमिकल प्लांट्स में होते हैं, लेकिन कंस्ट्रक्शन साइट पे भी काफ़ी सारे केमिकल्स यूज होते हैं, जैसे कि हमारा पेंट हो गया या कोई फ्यूल हो गया। अगर हम यूज़ कर रहे हैं और उसका हम स्टोरेज सही से नहीं कर पा रहे हैं, मान लो जहाँ पर स्टोरेज कर रहे हैं वहाँ का टेम्परेचर ज़्यादा है, जितने टेम्परेचर में हमको रखना है वो उतना मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं, या कोई स्मोकिंग करता है, किसी तरह का वहाँ पर छोटे मोटे आग लगते हैं, तो इस तरह से फायर एक्सप्लोजन हो सकता है। नेक्स्ट है ओवर एग्जर्सन। इसका मतलब होता है हीट स्ट्रोक, यानी अगर कोई लेबर है काफ़ी समय से धूप में काम कर रहा है, काफ़ी देर से, तो उसको गर्मी लग सकता है, सनलाइट लग सकता है। तो आप ध्यान दें कि कुछ इंटरवल हो, अगर समर सीजन है तो वहाँ पर इंटरवल हो काम के बीच में, उनको ग्लूकोज, ORS, ये सब प्रोवाइड कराते रहें समय समय पर। नेक्स्ट है मशीनरी एक्सीडेंट्स। वर्क साइट पर काफ़ी सारे हैवी मशीनरी चलते रहते हैं, मूव होते रहते हैं, जैसे कि हमारा एक्सकवेटर हो गया, क्रेन हो गया, हाइड्रा हो गया, तो ये सब मूव करते रहते हैं। तो अगर हम देख के नहीं चल रहे हैं तो हो सकता है कि उसके चपेट में हम आ जाए और हमारा एक्सीडेंट हो जाए। तो जब भी हम वर्क साइट पे काम कर रहे हैं, इन सब चीज़ों से दूर रहना है हमें, डिस्टेंस मेंटेन करके रखना है और देखते रहना है कहाँ क्या जा रहा है,
थोड़ा वहाँ पे अवेयर रहना है हमें। नेक्स्ट है गेटिंग हिट बाय अ व्हीकल। ये ज़्यादातर रोड वर्क्स में होता है, अगर कहीं रोड का कंस्ट्रक्शन हो रहा है या हाईवे का कंस्ट्रक्शन हो रहा है तो वहाँ पे काफ़ी सारे व्हीकल्स मूव करते रहते हैं, जो लोकल व्हीकल्स हैं वो मूव करते रहते हैं। तो उसके लिए क्या करना है कि आपका जो वर्किंग एरिया है उसको बैरिगेट करना है, वहाँ पर साइन बोर्ड लगाना है, और अगर नाइट में काम चल रहा है तो लाइटिंग का फैसिलिटी वहाँ पर देना है, ताकि दिख सके कि आगे काम हो रहा है या कोई गड्ढा है या वर्कर्स काम कर रहे हैं। तो ये सब आपको प्रिकॉशंस वहाँ लेने हैं। लास्ट है आपका ट्रेंच कोलैप्स। जब भी ट्रेंच का एक्सकवेशन होता है कभी कभी कोलैप्स कर जाता है। इसके पीछे काफ़ी से रीजन हो सकते हैं, जैसे कि लूज सॉइल होगा, या हो सकता है कि वाटर सीपेज हो वहाँ पे, या हैवी व्हीकल्स मूवमेंट हो वहाँ पे। तो ये सब से आपको अवॉइड करना है। आपको वहाँ पे बैरिगेशन करना है, साइन बोर्ड लगाना है, डिस्टेंस मेंटेन करना है, जो भी व्हीकल्स मूव कर रहे हैं उनको दूरी पर मूव करना है। जब भी ट्रेंच कोलैप्स करता है, काफ़ी सारे वर्कर्स उसमें दब जाते हैं या आपके व्हीकल्स उसमें फॉल कर जाते हैं, तो ये सब आपको ध्यान देना है वहाँ पे। अगर आपको ये नोट स्टडी मटेरियल चाहिए तो नीचे मैं लिंक दे रहा हूँ, वहाँ से आप उसे डाउनलोड कर लीजिएगा और स्टडी कर लीजिएगा।